गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईटीआई फिल्टर एम के माध्यम से टाइप ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू शेप आकृति के अनुसार रेती के प्रकार के बारे में बताएंगे। विभिन्न रूपरेखाओं को रेतने एवं परिष्कृत मतलब फिनिशिंग करने के लिए अलग अलग आकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रूपरेखाओं मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि विभिन्न रूपरेखाओं में जॉब कटा हुआ, जैसे ये गोल है, ये देखिए स्क्वायर है, ये आयताकार है, ये त्रिभुज में कटा हुआ है। तो विभिन्न रूपरेखाओं को रेतने एवं फिनिश करने के लिए अलग अलग आकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के रेती, यहाँ देखिए हाफ राउंड, फ्लैट, स्क्वायर, ये हो गया राउंड, और इसे रेतने के लिए तो यही चीज बोला जा रहा है कि विभिन्न रूपरेखाओं को रेतने एवं फिनिश करने के लिए अलग 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 आकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है। रेती का आकार उसके अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है। रेती के आकार को उसके अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है। जैसे यहाँ विभिन्न आकार का रेती है, और इस रेती को अगर हम बीच से काटते हैं, माने बीच से अगर हम काटते हैं, जैसे यहां देखिए ये रेती है, और अगर हम इसे बीच से क्या किया काटते हैं, तो यह जिस आकृति में दिखाई देगा, यहां देखिए जो यह फ्लैट फाइल है, और फ्लैट फाइल को बीच से काट के दो भाग में किए, तो इसका देखिए आकृति कैसा बन रहा है, आयताकार बन रहा है। तो इसी आकार द्वारा रेती के आकार को वर्णित किया जाता है, मतलब रेती के आकार को उसके अनुप्रस्थ काट मतलब जो यह क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है। जैसे यह आयताकार इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये जो राउंड फाइल है, राउंड फाइल को अगर हम बीच से काटेंगे तो यह इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, एक सर्किल बनेगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि रेती के आकार को उसके क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है। विभिन्न आकार की रेतियों का प्रकार, पहला चपटी या समतल रेती, दूसरा दस्ती रेती मतलब हैंड फाइल, तीसरा वर्ग रेती स्क्वायर फाइल, चौथा गोल रेती राउंड फाइल, पांचवा अर्ध गोल रेती हाफ राउंड फाइल, छठा त्रिभुजाकार रेती ट्रायंगुलर फाइल, सातवा चाकूधार रेती नाइफ एज फाइल। विभिन्न आकार की रेतियों का प्रकार जो यह देख रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्लैट फाइल, इसे बोलते हैं हैंड फाइल, और ये स्क्वायर फाइल, और इसे बोलते हैं राउंड फाइल, और ये हाफ राउंड फाइल, और इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर फाइल, और ये हो गया नाइफ एज फाइल। पहला फ्लैट फाइल समतल रेती, ये जो चित्र देख रहे हैं यह फ्लैट फाइल का चित्र है। इसका अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। अगर हम इस रेती को बीच से अगर इसे हम काट कर देखते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार मतलब इस प्रकार दिखाई देगा, फ्लैट फाइल। तो इसे ही हम फ्लैट फाइल बोलते हैं मतलब समतल रेती, और फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन जो इसका क्रॉस सेक्शन है आयताकार होता है। मतलब हम यहां देख रहे हैं यह हो गया फ्लैट फाइल, और इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम रेती को बीच से दो टुकड़ा करते हैं, तो यह जिस आकृति में दिखाई देता है,
तो यहां हम देख रहे हैं यह आयताकार आकृति में दिखाई दे रहा है, तो फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। इसका दो तिहाई लंबाई तक चौड़ाई के समानांतर होता है तथा उसके बाद आगे का भाग पॉइंट की तरफ टेपर होता है। यहां जो देख रहे हैं दो तिहाई लंबाई तक, जो ये लंबाई है दो तिहाई लंबाई तक चौड़ाई के समानांतर होता है और आगे वाला भाग पॉइंट की तरफ टेपर होता है। फ्लैट फाइल का दो तिहाई लंबाई तक चौड़ाई के समानांतर होता है, तो यहां हम देख रहे हैं जो यह फ्लैट फाइल है दो तिहाई लंबाई तक चौड़ाई में, मतलब ये जो चौड़ा भाग है क्या है, यहां देखिए समानांतर है, तथा इसके बाद आगे का भाग जो ये देख रहे हैं आगे का भाग पॉइंट की तरफ टेपर होता है। यहां देखिए आगे की तरफ क्या है, थोड़ा टेपर है। इसमें भी देखिए क्या है, दो तिहाई भाग जो इसका चौड़ाई है समानांतर है, लेकिन आगे का भाग क्या है, पॉइंट की तरफ टेपर होता है। इसके फेस पर दोहरा कट मतलब डबल कट तथा कोर कोर पर सिंगल कट के दांते होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं फेस पर डबल कट का दांता है और इसका एज पे जो यह एज है इस पर सिंगल कट का दांता है। इसके फेस पर मतलब जो यह ऊपर वाला भाग है इसे हम फेस बोलते हैं, फेस पे दोहरा कट। तो यहां हम देख रहे हैं ये हो गया दोहरा कट, देखिए क्या हो गया डबल कट कटा होता है, और तथा इसके एज पर, तो एज हो गया ये साइड वाला, देखिए एज पे क्या है, ये देखिए एज पे सिंगल कट कटा होता है। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। जो फ्लैट फाइल है तो वर्कशॉप में फ्लैट फाइल का सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यह बाहरी एवं आंतरिक सतह को रेतने एवं परिष्कृत मतलब फिनिश करने के लिए उपयोगी है। फ्लैट फाइल बाहरी एवं आंतरिक सतहों को, जो यह बाहरी सतह है और जो आंतरिक सतह है, मतलब बाहरी सतह और आंतरिक सतह को फाइलिंग करने के लिए और फिनिश करने के लिए उपयोगी होता है। यह जॉब का बाहरी सतह और ये जॉब का आंतरिक सतह। दूसरा हैंड फाइल, तो ये जो चित्र देख रहे हैं यह हैंड फाइल का चित्र है और हैंड फाइल का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट में यह रेती फ्लैट फाइल की तरह ही होता है, मतलब अगर इस रेती को अगर हम बीच से काटते हैं तो इसका अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। ठीक है, तो फ्लैट फाइल का भी क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, इसे ही हम हैंड फाइल बोलते हैं। दस्ती रेती मतलब हैंड फाइल, क्रॉस सेक्शन में यह फ्लैट रेती की तरह होता है, मतलब जो यह हैंड फाइल है अगर हम इसे बीच से काट के जब इसकी आकृति को देखेंगे तो यह फ्लैट फाइल की तरह ही होता है। जैसे ये देखिए ये फ्लैट फाइल है, अब फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार है, तो इसे भी जब हम बीच से काटेंगे तो इसका भी क्रॉस सेक्शन आयताकार ही होगा। चौड़ाई में कोर पूरा लंबाई में समानांतर होता है, तो
ये चौड़ाई में जो इसका एज है पूरा लंबाई में क्या है समानांतर है। हैंड फाइल चौड़ाई में कोर, जो चौड़ाई में इसका कोर है पूरा लंबाई तक देखिए क्या है पूरा लंबाई तक समानांतर है, जबकि हैंड फ्लैट फाइल में, फ्लैट फाइल में क्या है दो तिहाई चौड़ा है और फिर आगे का टेपर है, लेकिन हैंड फाइल में यह पूरा क्या है पूरा समानांतर है। फेस पर दोहरा कट होता है, इसके फेस पर डबल कट के दांते कटे होते हैं। हैंड फाइल के फेस पे जो इसका ऊपर का सतह है फेस, तो फेस पे डबल कट कटा होता है, जैसे यहां देखिए ये हो गया पहला कट और इसी के ऊपर एक दूसरा कट होता है, तो इसके फेस पे डबल कट होता है, जैसे यहां इसका बड़ा रूप देखिए ये पहला कट और यह दूसरा कट, तो यही चीज बोला जा रहा है कि हैंड फाइल के फेस पे डबल कट कटा होता है। एक कोर पर इकहरा कट मतलब सिंगल कट तथा दूसरा सुरक्षित कोर होता है, जो इसका एक कोर है एक साइड का कोर है इस पे सिंगल कट के दांते कटे होते हैं और इसके दूसरा कोर पे किसी भी प्रकार का दांता नहीं कटा होता मतलब सेफ एज होता है। हैंड फाइल के एक कोर पर मतलब एक एज पे सिंगल कट और दूसरा सुरक्षित कोर होता है, यहां देखिए एक साइड क्या है सिंगल कट, देखिए एक एज पे सिंगल कट कटा हुआ है और दूसरा एज देखिए दूसरा एज पे कोई भी दांता नहीं कटा हुआ मतलब यह सेफ एज है। एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से 90 डिग्री में फिनिश की गई सतह को रेतने के लिए किया जाता है। एक कोर सुरक्षित होने के कारण, तो यहां हम देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का दाता नहीं कटा हुआ और इधर दाता कटा हुआ, ये हो गया क्या सेफ एज, तो सेफ एज होने के कारण इसका प्रयोग पहले से 90 डिग्री में फिनिश, जैसे यहां हम जो ये जॉब देख रहे हैं तो यह जॉब क्या है 90 डिग्री में पहले से फिनिश है, तो इसे रेतने के लिए किया जाता है, जैसे यह सेफ एज है और हमें सिर्फ इसके नीचे रेतना है, ठीक साइड में जो यह साइड वाला सतह देख रहे हैं इसमें हमें फाइलिंग नहीं करना है, सिर्फ इसके नीचे फाइलिंग करना है, तो उस दौरान हम सेफ एज का प्रयोग करेंगे, जो यह बिना दाता वाला एज है वह यहां पे जाएगा, देखिए बिना दाता वाला एज मतलब सेफ एज को यहां रखकर इस प्रकार इस पे फाइलिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा इस पे दाता नहीं होने के कारण जो ये साइड वाला सतह है वह नहीं घिसेगा, सिर्फ इसके जो नीचे वाला सतह है वह घिसेगा, तो यही चीज बताया जा रहा है कि एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से 90 डिग्री में फिनिश की गई सतह को रेतने के लिए किया जाता है। फ्लैट फाइल समान उद्देश्य की फाइल है और यह सभी ग्रेड में उपलब्ध है। फ्लैट फाइल समान उद्देश्य की फाइल है मतलब इसका उपयोग समान उद्देश्य की यह फाइल है और यह सभी ग्रेडों में उपलब्ध है, मतलब रफ फाइल, बास्टेड फाइल, सेकंड कट फाइल और स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल ग्रेडों में ये जो फ्लैट फाइल है उपलब्ध है। हैंड फाइल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। हैंड फाइल राइट एंगल में फिनिश किए गए, जैसे यहां हम देख रहे हैं यह जॉब है तो यह जॉब देखिए राइट एंगल में फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, मतलब ये जो जॉब देख रहे हैं 90 डिग्री में है और इसे फिनिशिंग करने के लिए हम
हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। तीसरा वर्ग रेती मतलब स्क्वायर फाइल। इस रेती का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है। ये जो फाइल देख रहे हैं यह स्क्वायर फाइल है। अगर इसे हम बीच से काटते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार रूप में दिखाई देगा। इसे हम स्क्वायर फाइल बोलते हैं। ये देखिए यह स्क्वायर फाइल है और स्क्वायर फाइल का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर में होता है, वर्गाकार होता है। इस रेती को अगर हम बीच से काटेंगे और फिर अगर हम इसे देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होगा मतलब स्क्वायर में होगा। इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र मतलब स्क्वायर होल, आंतरिक वर्गाकार कोना, आयताकार छेद, चाभी घाट तथा स्प्लाइंस रेतने के लिए किया जाता है। स्क्वायर रेती का इस्तेमाल स्क्वायर होल जो यह हम देख रहे हैं स्क्वायर होल को रेतने के लिए, आंतरिक स्क्वायर कॉर्नर जो यह देख रहे हैं आंतरिक स्क्वायर कॉर्नर, फिर आयताकार होल जो यह देख रहे हैं आयताकार होल, फिर चाबी घाट तो ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं की बे चाबी घाट, और स्प्लाइंस हो गया। ये देखिए ये हो गया स्प्लाइंस को रेतने के लिए स्क्वायर रेती का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम देख रहे हैं ये हो गया स्क्वायर होल, फिर इसके बाद इंटरनल स्क्वायर कॉर्नर जो यह देख रहे हैं फिर इसके बाद आ जाएगा आयताकार होल तो यह देख रहे हैं आयताकार होल, फिर ये देखिए ये हो गया चाबी घाट तो ये जो देख रहे हैं की बे तो की बे को बनाने में, और फिर स्प्लाइंस जो ये देख रहे हैं स्प्लाइंस तो स्प्लाइंस को ये स्प्लाइंस को रेतने के लिए हमें स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया जाता है। चौथा गोल रेती राउंड फाइल। ये जो चित्र देख रहे हैं यह राउंड फाइल का चित्र है। गोल रेती का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। अगर इस रेती को अगर हम बीच से काटते हैं तो यह इसका क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होगा। इसे राउंड फाइल बोलते हैं। ये देखिए यह एक राउंड फाइल है और राउंड फाइल का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होता है। अगर हम इसे बीच से काटेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होगा, गोल होगा। इसका प्रयोग वृत्ताकार होल को बड़ा करने एवं फिलेटदार रूपरेखाओं को रेतने में होता है। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं यह एक फिलेटदार रूपरेखा है और यहाँ पे फाइलिंग करने के लिए हमें राउंड फाइल का प्रयोग करना पड़ता है। राउंड फाइल का प्रयोग वृत्ताकार होल मतलब ये जो होल देख रहे हैं वृत्ताकार होल को बड़ा करने एवं फिलेटदार जो यह देख रहे हैं इसे हम फिलेटदार बोलते हैं। तो फिलेटदार रूपरेखा को रेतने के लिए किया जाता है। तो यह हो गया क्या वृत्ताकार होल है और इसे बड़ा करने के लिए, तो इसे बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम राउंड फाइल का। और
दूसरा हो गया फिलेटदार रूपरेखा, जो यह देख रहे हैं कोना पे राउंड बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं फिलेटदार रूपरेखा। तो इसे रेतने के लिए राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज बताया जा रहा है कि राउंड रेती का प्रयोग वृत्ताकार होल को बड़ा करने एवं जो यह फिलेटदार रूपरेखा को रेतने के लिए किया जाता है। पांचवा, हाफ राउंड रेती, मतलब अर्ध गोल रेती। अर्ध गोल रेती का आकार किसी वृत्त के खंड के तरह होता है। तो यहां हम देख रहे हैं हाफ राउंड फाइल का चित्र है। अगर इसे हम बीच से काटते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन किसी वृत्त के खंड के जैसा दिखाई देगा। इसे हम हाफ राउंड रेती बोलते हैं। ये हो गया हाफ राउंड रेती, और इसका आकार किसी वृत्त खंड की तरह होता है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन, अगर हम इस रेती को बीच से काट के देखेंगे तो हाफ राउंड फाइल का आकार किसी वृत्त के खंड की तरह दिखाई देगा। आंतरिक वृत्ताकार सतह को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाफ राउंड रेती का प्रयोग आंतरिक वृत्ताकार सतह, तो ये जो देख रहे हैं आंतरिक वृत्ताकार सतह को रेतने के लिए किया जाता है। तो यही चीज बताया जा रहा है कि हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किसी आंतरिक वृत्ताकार सतह को रेतने के लिए किया जाता है। छठा, त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल। इस रेती का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार आकार में होता है। अगर हम इसे बीच से काटते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन या त्रिभुज के जैसा दिखाई देगा। इसे ही त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल बोलते हैं। और इस रेती का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार होता है। अगर हम इस रेती को बीच से काट के देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका जो आकार दिखाई देगा, त्रिभुजाकार दिखाई देगा। कोनो, मतलब कॉर्नर, और 60 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग कोनो, मतलब ये जो देख रहे हैं कोनो, और 60 डिग्री से अधिक कोनों को रेतने में किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह त्रिभुजाकार आकृति है, और इसे रेतने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। और 60 डिग्री से अधिक कोण वाला कॉर्नर, तो यह देख रहे हैं 60 डिग्री से अधिक कोण वाला कॉर्नर को रेतने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। सातवा, चाकूधार रेती, नाइफ एज फाइल। चाकूधार रेती का क्रॉस सेक्शन नोकीला त्रिभुज जैसा होता है। अगर हम इस फाइल को बीच से काटते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन नोकीला त्रिभुज जैसा दिखाई देगा। इसे हम नाइफ एज फाइल बोलते हैं। तो यह देखिए यह चाकू की तरह होता है, और चाकूधार रेती का क्रॉस सेक्शन नोकीला त्रिभुज जैसा होता है। अगर हम इसे बीच से काटेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वह नोकीला त्रिभुज की जैसा दिखाई देगा।
इसका इस्तेमाल संकरे खाचों एवं 10 डिग्री से अधिक के कोनों को रेतने के लिए किया जाता है। एच फाइल का प्रयोग संकरे खाचों में, मतलब ये जो देख रहे हैं खाचा, तो इस खाचों में एवं 10 डिग्री से अधिक के कोण को, जो ये देख रहे हैं 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो गया। ये जो संकरा खाचा है, तो संकरा खाचा को रेतने के लिए ये यह ये जो देख रहे हैं 10 डिग्री से अधिक के कोण को फाइलिंग करने के लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। सभी रेतियों का एक तिहाई लंबाई टेपर होता है, हैंड फाइल को छोड़कर। जो सभी रेतिया होता है उसका आगे का भाग टेपर होता है, लेकिन जो यह हैंड फाइल है, हैंड फाइल का आगे का भाग टेपर नहीं होता है। उपरोक्त रेतियों का, जो यह विभिन्न आकार का रेती देख रहे हैं, तो इस रेती का एक तिहाई लंबाई, जो यह देख रहे हैं एक तिहाई लंबाई टेपर होता है, यह आगे से क्या है, टेपर है। सभी रेती में देखें आगे से टेपर है, ये देखिए आगे का भाग क्या है, आगे का भाग टेपर है। सिर्फ हैंड फाइल को छोड़कर, जो यह हैंड फाइल है, हैंड फाइल का आगे का भाग टेपर नहीं होता, लेकिन बाकी सभी रेतियों का आगे का भाग टेपर होता है। ये इकहरे, सिंगल कट एवं दोहरे कट, मतलब डबल कट, दोनों में उपलब्ध होते हैं। ये सभी रेतियां सिंगल कट, जो यहां हम देख रहे हैं, ये हो गया सिंगल कट एवं दोहरे कट, जो यह देख रहे हैं यह हो गया डबल कट। तो ये सभी रेतियां सिंगल कट एवं दोहरे कट दोनों में उपलब्ध होते हैं। वर्ग, गोल, अर्ध गोल और त्रिभुजाकार रेती प्रायः 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm और 400 mm लंबाइयों में उपलब्ध होते हैं। ये बास्टर्ड, सेकेंड कट तथा चिकने ग्रेडों में बनाई जाती है। स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और ट्रायंगुलर फाइल, ये रेतियां 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm और 400 mm लंबाई में उपलब्ध होते हैं। और ये बास्टेड, सेकेंड कट और चिकने ग्रेड में बनाए जाते हैं, ये चारों रेतियां। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, रेती का विशेष वर्णन। तो विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेती का स्पेसिफिकेशन, विशेष वर्णन, उसके लंबाई, जैसे 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 3.5, 4 और 450 mm, उसके कट, जैसे सिंगल, सिंगल कट, डबल कट, रैश कट, कर्व कट, उसके ग्रेड, रफ, बास्टेड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, उसके आकार, जैसे फ्लैट, हैंड, स्क्वायर, राउंड, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, नाइफ एज के अनुसार किया जाता है। मतलब जो रेती का स्पेसिफिकेशन है, विशेष वर्णन, उसके लंबाई, कट, ग्रेड और आकार के अनुसार किया जाता है। अगर हमें फाइल को किसी दुकानदार से मांगना है, तो हमें फाइल का लंबाई, कट, ग्रेड, आकार को बताना होगा। जैसे फाइल 200 mm, तो यहां हम देख रहे हैं कि 200 mm लंबा हो गया। फ्लैट, तो यहां हम देख रहे हैं फ्लैट, स्मूथ, और ये हो गया हमारा स्मूथ,
और सिंगल कट, और ये हो गया सिंगल कट। तो हमें ये सभी बताना होगा, मतलब फाइल 200 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट फाइल हमें चाहिए। तो ये हो गया फाइल का स्पेसिफिकेशन।